कोई बोलता जैसे तू हाँ बोली तब भेजे एक आदमी जेने घने का वो किया इन्होंने मारे गए तो मारे जेडे अस जयराम ठाकुर जी ने आदरणीय जेडे मारे वो तो खोले रहे जितने सब डिवीजन तक खोले जितने भी स्कूल खोले सारे उन्होंने डीनोटिफाइड करीते अभी ये करीते इन्होंने पहले मेरे टाइम ये चली गया इतने का डिवीजन मैं नहीं जाने दिता अभी चली गया है कोई बोलता कौन ही नहीं बोले एच आई डी का मारे आदमी सारे बाहर ले गए मेरे टाइम भी गया था मेरी मुख्यमंत्री की लड़ाई हुई थी और अच्छी रुकाया फिर चल कोई नहीं बोलता है और हिमाचल अंदर जो बड़ा सा बोलते पहला डिवीजन था पूरे जेडे चंबे अंदर खुले और ले ही चुकी गई कोई नहीं पूछा मंगा कोई डरता नहीं कोई चंबा दी लावास क्या बोलते कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी जी सारा पैसा चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ही जगह चली गया सारा क्या ना लैना मैं दसो और ए चंबे ऐसी सरकार आई ही रही अपने लोगों असा कभी भेदभाव नहीं किया तुम मेरे टाइम पर चैक कर लियो उस अंदर कांग्रेस ने भी काम किया और उस अंदर क्या बोलते हमारे वर्कर ने भी काम किया हालांकि मुझे बोलते रहे बेचारे कि जी इन अंदर रोक ला मैं इनका चंबे आदमी आ गया था तुम मनना नहीं पेमेंट नहीं देंगे और बोलते जेडे जितने हमारे बीजेपी के ठेकेदार हैं आई पी चंद्र और पी डब्ल्यू परेशान थे सारे मुझे इस वास्ते आपू ही आर टी मंगना पे नहीं उन्होंने दो दो साल के पेमेंट हैं दो दो साल की कई बेचारे बच्चे के स्कूल की पेमेंट देनी कई कुड़ियों के ब्याह किसी मुंडे के ब्याह ये बोले करना तो फोन आ जाता कि फलाने पर अज के बाद अगर अगर एक्स साहब दो ही एक्स मेरे ए, ए, मेरी वार्निंग है किस्म की अभी हो ही गया जो कुछ होना था अज के बाद अगर कुनी उसकी पेमेंट रोकी जे पुरानी या उन्होंने पुरानी पेमेंट नहीं दी और नवे आदमी पेमेंट दी बजट का प्रावधान नहीं है इस अंदर ठेकेदार की कोई गलती नहीं है अगर तुम्हारे का पैसा होता तो उन्होंने कम क्यों दिता नहीं था पैसा नहीं दिंदे कम चलो ठेकेदार बेचारे घर से बहते तुम उन्होंने कम भी देता बिल भी बनी गए बिल भी पास फिर और पैसे देंदे नहीं बोले उपर एक फोन आ जाते फाने भी पास मान दो मेरा दोनों एक्शन जो ये मेरा अनुरोध है और रिक्वेस्ट भी है कि जितनी पुरानी पेमेंट दे दियो और ऑनलाइन पेमेंट एक चीज़ और भी है मेरे जितने भी ठेकेदार हैं ये अभी अभी इन्होंने डर मारे क्या करना ऑनलाइन टेंडर लाए देने 5 लाख फिर जिन्हें टेंडर लेना जाना उसे फार्म नहीं देने उसे फार्म देने फिर नहीं मेरे कहना मैं फार्म दे कि नहीं तो वो ये ठगी ठुगी करी भाई किए नहीं किया कांग्रेसी ठेकेदार एडजस्ट करने होया भाई पिछे उन्हें अप्लाई की तरह उन्होंने फार्म दी उन्हें ला रहे थे अगली बार दे देंगे वह ठेकेदार मैं तेनों सौ बगता मेरा तुम अगर नहीं देते मेरे का हो ना और जितने ठेकेदार मेरा उन्हों का भी रिक्वेस्ट है अगर कुछ फार्म नहीं देंगे चाहे पी डब्ल्यू महकमा चाहे आई पी एच महकमा तुम मेरे का हो मैं देखता कौन फार्म नहीं दिता या कौन पेमेंट नहीं दिता बड़ी मैं अभी आपसे सुन रहा हूँ बड़ी ये गलत बात है चंबा के मेरे ख्याल पहली बार हुआ ये मीडिया वाले से किसी ने मिसबिहेव किया तो ये मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि मीडिया वाले तो हर एक जगह जाएंगे तो उनको इनको अपनी जान का भी खतरा है तो इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिसने भी थैट दिया उस पर एक्शन होना चाहिए और अधिकारियों के साथ भी कर रहे हैं कि मैं तो अधिकारियों पर बड़ा हैरान हूँ अगर किसी भी कोई अधिकारी से कोई मिसबिहेव करता है मैं बोलता हूँ एक मिनट में आप सीधी FIR लॉज कराइए सीधी रिपोर्ट कीजिए उसकी जमानत भी नहीं हुई पहले भी एक दो बार हमारे मुस्लिम कमेटी के कर्मचारी के साथ हुआ था तो उसने माफ़ी मांग के क्योंकि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई के साथ किसी के साथ पंगे लाने को ठीक है बात नहीं।